नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने चार और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आरोपी चंदन की बहन जीजा समेत चार लोगों को शिवरतनगंज थाने में लाकर कल हुए हत्याकांड के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें आरोपी की बहन ने बताया है कि उसका भाई हमेशा गुस्से में रहता था, उसकी बात नहीं होती थी। और ये छह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है पीड़ित परिवार से, और साथ ही आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही आरोपी का महिला के साथ में प्रेम संबंध बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही पुलिसकर्मी लगातार छानबीन कर रहे हैं। अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी पुलिस की टीम पहुंची और पूछताछ की जा रही है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है ये हत्याकांड के बाद की तस्वीरें, जहां पर शव रखकर परिजनों की तरफ से गुस्सा जाहिर किया गया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्य आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब पुलिस आरोपियों को कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसमें आरोपी का महिला के साथ में प्रेम संबंध बताया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली शहर के मटिहा गाँव में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मकान है, ये मकान चंदन का मकान है, जो अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। चंदन सोनी यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ इसी किराए के मकान में रहता था। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी होली के बाद इस मकान में यहाँ पे रहने आया था, और यहाँ ये मकान एक लल्लन सोनी है उनका है, जो पुलिस लाइन के पास रहते हैं, और यहाँ लल्लन सोनी ने इस चंदन वर्मा को ये मकान किराए पर दे रखा था, और होली के बाद वो यहाँ पर रहने आया था, इसी मकान में वो किराए पर रहता था। इस वक्त चंदन के परिवार वाले फरार हैं, और अगल बगल के लोगों ने ये बताया कि वो कल शाम से फरार हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है चंदन का, कैसा उसका व्यवहार था। यहाँ पे चंदन के घर के बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ इनसे बात। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतनाम चौधरी है। सतनाम जी, आपके बगल में ये चंदन रहता था, चंदन के ऊपर आरोप है कल जो अमेठी में मर्डर हुआ है जी, वो उसने किया है, तो क्या लगता है चंदन कर सकता है ऐसा? कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। जो बता रहे थे कि लल्लन जो आरोपी चंदन वर्मा है, वो यहाँ किराए पर रहता था, और एक बार उसने जो है जहर खा लिया था, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, और उसको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। फिलहाल आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इसी आरोपी चंदन का घर है, जहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पे इसके घर के जो भी लोग हैं वो कल शाम से फरार हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आरोपी और उसके परिवार वाले कहां पर हैं, उनको खोजे और इस हत्याकांड का खुलासा करें। रायबरेली से मोहन कृष्ण, न्यूज 18। अमेठी से एक दिल दहला देने वाली एक मामला सामने आया, घटना सामने आई। अब खबर है कि दलित शिक्षक परिवार के सभी चार सदस्यों की हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेठी हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश, व्हाट्सएप चैट में वारदात के सबूत, एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या ने पूरे अमेठी में हड़कंप मचा दिया। वारदात शिवरतगंज थाना इलाके के अहोरवा भवानी चौराहे के पास की है, जहां प्राथमिक विद्यालय के टीचर सुनील, उनकी पत्नी पूनम और उनके दो बच्चों की हत्या कर दी गई। रैंडम फायरिंग में सुनील कुमार को एक गोली बरामद हुई है, और उनकी पत्नी पूनम को दो गोली जो है बरामद हुई है, और दो बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें एग्जिट वुंड है, उसे सिद्ध होता है कि गोली से ही उनकी डेथ हुई है लगने से। हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पैनल से, मैंने पोस्टमार्टम करवाया हुआ है डॉक्टर पैनल से, और जो भी फाइंडिंग थी उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ गया? अब पुलिस सुपुर्द कर देंगे तो FSL में जाँच के लिए जाएगी लखनऊ। वारदात गुरुवार शाम करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मामला दलित परिवार से जुड़ा था, इसलिए सत्ता से लेकर शासन तक एक्टिव हो गया। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा ने 32 बोर की अवैध पिस्टल से
पूरे परिवार को मार दिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि चंदन ने पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया। पुलिस को चंदन वर्मा के व्हाट्सएप चैट से कुछ अहम सबूत बरामद हुए हैं। पुलिस को पता चला है कि चंदन के व्हाट्सएप चैट में लिखा था 5 लोग मरेंगे। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी आशंका है चंदन ने चारों की हत्या के बाद खुदकुशी की प्लानिंग भी की थी। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की घटना हुई है। घटना स्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर के साथ संकलन की कार्रवाई की गई। जो परिसर है जहां पर यह घटना हुई है, वहां पर किसी भी प्रकार के फोर्सफुल एंट्री के साक्ष्य नहीं पाए गए। घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुराग पता लगे हैं। 5 अलग अलग टीमें लगा करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चंदन वर्मा राय बरेली का रहने वाला है। दावा किया जा रहा है कि चंदन के ऊपर सुनील ने उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में DSP सुप्रीमो मायावती भी एक्टिव हो गई। उन्होंने न सिर्फ वारदात पर अपना दुख जाहिर किया बल्कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद व चिंताजनक। सरकार दोषियों व वहां के पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ न रहे। वारदात अमेठी में अंजाम दी गई, इसलिए कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने पीड़ित परिजनों की राहुल गांधी से भी फोन पर बात करा दी। इस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए, तो मैंने कल से ही मतलब जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया, तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊँगा। तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और साथ ही इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और आरोपी चंदन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जान देने की कोशिश कर चुका है चंदन, 22 अगस्त को जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी और चंदन के पड़ोसी ने खुलासा किया है। रायबरेली एम्स में भर्ती था चंदन वर्मा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी चंदन को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और चंदन ने जान देने की कोशिश भी की थी और चंदन 22 अगस्त को जहर खाकर जान देने की कोशिश कर चुका है। चंदन के पड़ोसी ने यह बड़ा खुलासा किया है। रायबरेली एम्स में भर्ती था चंदन वर्मा। तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जहां एक तरफ की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े खुलासे इस मामले को लेकर किए जा रहे हैं। और सोनभद्र से एक बड़ी खबर मिल रही है, पेशाब कांड में पुलिस का एक्शन हुआ है, 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, अभी भी 2 आरोपियों की तलाश आदिवासी लड़के के ऊपर किया गया था पेशाब और वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने एक्शन लिया। और शक्ति नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ लगातार शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर ट्रेन से कटकर 2 बच्चियों की मौत हो गई है। खेलते वक्त पहुंच गई थी रेलवे ट्रैक पर। सतरेक थाना क्षेत्र के
संदोली की ये पूरी घटना है जहां पर ट्रेन से कटकर दो बच्चियों की मौत हो गई है। और जानकारी जो मिली है कि खेलते वक्त दोनों बच्चियां ट्रैक पर पहुंच गई थी और इसी दौरान ट्रेन वहां से गुजरती है और दोनों की कटकर मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 14 एवेन्यू से हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां पर 27वें फ्लोर की बालकनी से एक 5 साल की बच्ची नीचे गिर गई और 12वें फ्लोर की बालकनी से आकर घटना में बच्ची को अंदरूनी चोट आई है। फिलहाल बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है। और जिस दौरान ये बच्ची फंसी वो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 27वें फ्लोर से बच्ची ऊपर से गिरती है और 12वें फ्लोर पर बच्ची फंस जाती है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि बच्ची को अंदरूनी चोट आई है और फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बहराइच में थाने में घुसकर थानेदार की पिटाई करने का मामला सामने आया। वर्दी फाड़ने और उंगली तोड़ने का भी आरोप लगा है। मामला बोंडी थाने का है जहां पर पुलिस ने एक शख्स की तहरीर पर कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे नाराज प्रधान पति पर साथियों के साथ मिलकर थाना अध्यक्ष से मारपीट करने वर्दी फाड़ने का भी आरोप है। थाना प्रभारी ज्ञान सिंह की एक उंगली भी टूट गई और मामले में हेड कांस्टेबल की तहरीर पर पुलिस ने प्रधान पति समेत 4 नामजद और 12 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। घटनाक्रम में थानाध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है इसलिए उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया गया। बोंडी में कोदही गांव के 3-4 लोगों द्वारा थाने के परिसर के अंदर थानाध्यक्ष से उनके ऑफिस में किसी विषय के बारे में वार्ता करने के क्रम में उग्र व्यवहार शुरू किया गया, जिसके बाद थानाध्यक्ष में और उनमें हाथापाई शुरू हुई और उनके द्वारा थानाध्यक्ष पर हमला किया गया। इसमें थानाध्यक्ष को कुछ चोटें आई हैं, मुख्य रूप से उनके बाएँ हाथ की एक उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। तो वहाँ पर जब ये इस प्रकार की हाथापाई शुरू हुई तो थाने पर जो अन्य उपलब्ध फोर्स था उनके द्वारा उन सभी को नियंत्रित किया गया जो दही गांव के लोग थे और उनको 3 को तत्काल पुलिस हिरासत में ले लिया। और देवरिया में दिन दहाड़े 2 लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। बाइक सवार 4 लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। लड़कियों का बचकर भागते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है और आरोपियों ने लड़कियों को खींचकर खेत ले जाने की कोशिश भी की थी और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया। मामला नारायणपुर कस्बे का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लड़कियों का बच के भागते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है और साथ ही ये दूसरी तस्वीर आपको उन आरोपियों की दिखा रहे हैं जो लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। कोशाबी में एसडीएम मंजनपुर से बदसलूकी का आरोप लगा है और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगा। अवैध अतिक्रमण हटाने के विरोध में बदसलूकी की गई। मामला मंजनपुर कोतवाली के तहसील रोड का है। सूचना के बाद में मंजनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। लखनऊ में तलवार के साथ में रील बनाने वाला लड़का गिरफ्तार हो गया है। आरोपी शिवा त्रिपाठी ठाकुरगंज के रज्जबगंज का रहने वाला है और तलवार के साथ में रील बनाते हुए वीडियो सामने आया। वायरल फुटेज का संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। आर्म्स एक्ट के तहत में केस दर्ज किया गया। कानपुर में महिला जूनियर डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोप में लिखित में माफी मांगने के बाद भी सीनियर डॉक्टर ने फोन कर धमकाया और एसिड अटैक की धमकी दी थी। महिला जूनियर डॉक्टर ने तहरीर दी है और स्वरूप नगर पुलिस ने आंख के डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा ली है। महिला जूनियर डॉक्टर की तहरीर पर उर्सला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के सर्जन डॉक्टर KN कटियार के खिलाफ महिला का बार बार पीछा करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धमकी देने और साथ ही अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। स्वरूप नगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक पुराना और मशहूर गाना तो आपने जरूर सुना होगा कि दिल है कि मानता नहीं। ये गाने की पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कानपुर के एक सीनियर डॉक्टर पर जो कानपुर में उर्सला में कार्यरत है, जहां एक और पिछले काफ़ी समय से वो जूनियर लेडी डॉक्टर को परेशान कर रहा था, मित्रता के लिए दबाव बना रहा था और डॉक्टर्स ने
जहां एक और सीनियर डॉक्टर को समझाया और समझौता भी कराया, मगर समझौते का असर ये हुआ कि डॉक्टर अब सारी हदें पार करके उस जूनियर लेडी डॉक्टर को इस कदर परेशान करने लगा कि रात बेरात उसे फ़ोन करने लगा और तेजाब तक फेंकने की धमकी दे डाली। ऐसे में हैरान परेशान लेडी डॉक्टर ने स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस जांच में जुटी है। और ऐसे में न तो डॉक्टर और ना ही मेडिकल कॉलेज के विभाग के विभागाध्यक्ष और संबंधित विभाग के डॉक्टर्स कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पीड़िता न्याय की बात कह रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। प्रयागराज में 10 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बच्ची कल शाम से लापता थी, आज बच्ची का शव खेत में मिला है। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला उस रही गांव का है जहां पर फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और बच्ची के पिता की तहरीर पर FIR दर्ज हो गई है और बच्ची के सिर और हाथ में चोट के निशान है। उन्नाव में डायवर्जन प्लांट पर सिपाहियों में कहासुनी हो गई और साथ ही लखनऊ जाने वाली गाड़ियों को निकालने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। और सिविल पुलिस का सिपाही डायवर्जन से ट्रक को मोड़ रहा था, लेकिन ट्रैफिक सिपाही ने जबरन ट्रक को डायवर्जन से आगे भेज दिया। कहासुनी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ट्रैफिक सिपाही सिविल सिपाही को हटाते हुए नजर आ रहा है। मामला दही थाना क्षेत्र के पूर्वा मोड़ का है। अलीगढ़ जिला अस्पताल में 12 साल की लड़की की मौत हो गई और लड़की डिप्थीरिया बीमारी से ग्रस्त थी और परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया है और अस्पताल में हंगामा किया। मौके पर पहुंचे CMS ने परिजन को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। गले में प्रॉब्लम थी, हम वहां से लेकर गए यहाँ ऐसा, तो यहाँ लाने के बाद में इन्होंने बोला कि 23 नंबर लेके जाओ। 23 नंबर यहाँ से पैदल पैदल हम लड़की को वहाँ ले गए। फिर वहाँ से बोला कि भाई साहब ऐसा इमरजेंसी दोबारा पहुँचो। फिर वहाँ से हम पैदल पैदल लेकर के यहाँ आए। यहाँ आके उन्होंने कोई इंजेक्शन निकाले, इंजेक्शन लगा, बोले इनको ये इंजेक्शन लगाएंगे, इनको इंजेक्शन लगा दो। किया था, अब किया क्या, लगाया है क्या किया है। उन्होंने इंजेक्शन लगाए, लगाने के बाद में 10 मिनट बाद वो फड़फड़ाने लगी। अब कैसी तबीयत है? अब वो ख़त्म हो गई साहब। अब डॉक्टरों से हम कह रहे भैया देखो इसे, देखो इसे, उन्होंने कोई नहीं सुनना। और बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। SDM ने बुलडोजर वाली कार्रवाई कर सरकारी जमीन खाली कराई। ASR ग्रीन सिटी ने अवैध कब्जा कर रखा था। SDM ने ASR ग्रीन सिटी के निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मामला दारापुर का है। सोनभद्र में एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ओबरा तहसील के कोटा ग्राम पंचायत के लेखपाल राजकुमार मिश्रा को 20,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में बैंक के बाहर खड़ी बाइक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से बैंक के आसपास लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक में लगी आग पर कंट्रोल किया। और आगरा से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर डिजिटल अरेस्ट कर 2,00,000 रुपए की ठगी की गई है। रिटायर्ड प्रिंसिपल से 2,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया है। पार्सल में ड्रग्स और फर्जी पासपोर्ट का डर भी दिखाया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां डिजिटल अरेस्ट कर 2,00,000 रुपए की ठगी की गई है और रिटायर्ड प्रिंसिपल से 2,00,000 रुपए की ठगी का मामला है और जालसाजों ने खुद को पुलिस का अधिकारी बताया और 2,00,000 रुपए ठग लिए। और अलीगढ़ के थाना दहली गेट में महावीरगंज बाजार में खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने चार जगहों पर छापेमारी की है और चारों संस्थानों से देसी घी के सैंपल लिए गए हैं। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य और औषधि प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और कई जगह के सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है ताकि नकली
खाद्य सामग्री का इस्तेमाल दुकानदार ना करें। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे प्रशासन को घी में मिलावट की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उस संदर्भ में महावीरगंज मंडी में बारादरी जगह पड़ती है, वहाँ चार लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं देसी घी की, उनके चारों को नमूने एकत्रित करके जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाएगा।